नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हैंड जो है हमारे पास आया है रीडिंग के लिए, और इनके भविष्य के बारे में हम गणना यहाँ पर करने वाले हैं। इनकी एज जो है 30 साल है, और 30 साल के बाद कैसा कैरियर रहेगा और क्या कुछ इनके साथ अच्छा बुरा होने वाला है, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज के द्वारा हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना और देखते हैं कि जीवन में क्या कुछ यहाँ पर रहेगा। पहले स्टार्ट करेंगे उंगलियों से, उसके बाद हम पर्वतों की स्थिति को देखेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो अपनी स्क्रीन पर हाथ आप देख पा रहे हैं। हाथ जो है लंबाई में ठीक है, हाथ जो है लंबाई में जो है आपको अच्छा खासा नज़र आएगा, और ऐसा नहीं कि बहुत चौड़ापन है, लंबा हाथ है, मतलब दिमागी मेहनत ज़्यादा रहने वाली है। और हाथ में गजब का यहाँ आपको पिंकिश सा रंग, मतलब एक रेडिश सा रंग नज़र आएगा। जब आप देखिए, अगर आप किसी का हाथ पढ़ रहे हैं, आपको दिखे कि हथेली का रंग जो है काफ़ी ज़्यादा रेडिश हो रहा है, और एक थिकनेस काफ़ी अच्छी दिखेगी, मतलब एक चमक दिखेगी हथेली में। तो ये मान के चलें कि पैसों से रिगार्डिंग ऐसे व्यक्ति को दिक्कत नहीं होने वाली फ्यूचर में, मतलब पैसा अच्छा खासा व्यक्ति कमाएगा और पैसे की स्थिति हाथ में अच्छी खासी रहेगी। ये आप पहला रूल यहाँ पर रख लें, ठीक है। हाथ में कालापन होता है, थोड़ा सा पीलापन होता है, तो वो हाथ थोड़ा सा स्ट्रगल वाला आपको दिखेगा पैसों के रिगार्डिंग, ठीक है, और के रिगार्डिंग नहीं कह रहा हूँ। तो धन के रिगार्डिंग हाथ शुभ नज़र आ रहा है। अगर फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स में आपको दिखेगा कि किसी फिंगर में टिल्टेशन आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, थोड़ा सा आपको शनि फिंगर में ऊपर की साइड आपको हल्का टिल्ट होते हुए नज़र आएंगे। तो ये कंडीशन उस टाइम क्रिएट होती है जब ऐसा होता है कि शनि फिंगर आपको थोड़ी टिल्ट नज़र आए, तो थोड़ा सा वैराग्य आ जाता है जीवन में, मतलब लाइफ में एक ऐसा पीरियड आएगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप समस्याओं में होंगे, मैं क्या फ़ैसला लूँ, और अचानक से वैराग्य व्यक्ति में आता रहता है, मतलब सब कुछ छोड़ने का मन, सब कुछ त्यागने का मन करता है। तो ये सिचुएशन शनि लाते हैं और ये आपके हाथ में भी दिख रहा है, लेकिन लंबाई इसकी अच्छी है, शनि फिंगर की जो लंबाई है अच्छी है, तो धन काफ़ी अच्छा जीवन में रहेगा, प्रोफेशन वाइज भी रहेगा। यहाँ पर देखिए सूर्य फिंगर थोड़ी सी आपको बड़ी दिखेगी, गुरु से हल्का सा फ़र्क है, कुछ ज़्यादा आपको जो है अंतर नज़र नहीं आएगा, लेकिन हल्का सा फ़र्क है। तो सूर्य इनके ज़्यादा मजबूत हैं गुरु से, गुरु की फिंगर भी ठीक ठाक है, कोई टिल्टेशन आपको नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पर सबसे थोड़ा नेगेटिव मुझे लगा कि इनका जो बुध पर्वत है, बुध पर्वत जो है काफ़ी लो सेट चला गया। हम इसको अगर ड्रॉ करना चाहें तो आपको देखिए तीनों पर्वत जो हैं, तीनों फिंगर हाई सेट नज़र आएंगे और गुरु पर्वत आपको काफ़ी ज़्यादा लो सेट नज़र आएंगे। जब ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उस जो बैरियर बनता है आगे, मतलब अपनी बात को थोड़ा सा किसी के सामने रख पाने में व्यक्ति को हिचकिचाहट होती है, और अचानक से चीज़ें जो हैं वो थोड़ा नेगेटिव वे में जाती हैं। तो ये चीज़ें नज़र आए फिंगर्स में है, फिंगर में कमी नहीं है, लेकिन माउंट थोड़ा लोड सेट चला गया। अगर मैं फिंगर पे देखूँ, खड़ी लाइनें भी आपको बहुत सारी नज़र आएंगी, ठीक है, फ्रेंड सर्कल भी नज़र आएंगे, लेकिन बहुत सारा आपको आड़ी रेखाएँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ऐसी कुछ जो आपको रेखाएँ जो है नज़र आती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। देखिए ऐसी आड़ी रेखाएँ, जब आड़ी रेखाएँ होती हैं तो व्यक्ति का थोड़ा रिलेशंस ख़राब होने के जो है रहता है कि उसके रिलेशंस ख़राब हो जाए, मतलब लोग आपसे आएँ जुड़ें लेकिन अचानक से जल्दी चले जाएँ, मतलब ऐसी कंडीशनें पैदा हो जाती हैं, या फिर आपका वो नेचर कह लें, थोड़ा अग्रेशन हो सकता है, अग्रेसिव नेचर हो सकता है उसकी वजह से, नहीं तो आपके साथ ऐसे लोग मतलब ही जुड़ेंगे, मतलब जो आएंगे अपना काम करवाएंगे चले जाएंगे, मतलब ऐसी सिचुएशन जो है रिलेशंस के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये फिंगर्स में नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थम की, थम ठीक है, थम कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, और फर्स्ट पोर्ट आपको ठीक ठाक नज़र आएगा, एवरेज नज़र आएगा, कभी कभी विल पावर कम रहती है लेकिन विल पावर स्ट्रांग भी रहती है, यहाँ पर चीज़ नज़र आए। यहाँ पर प्रॉपर एक यव का निशान बना हुआ है, लेकिन यव का निशान एक तरफ से बंद है और दूसरी तरफ से खुला है, तो व्यक्ति थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि खर्चीला नेचर होगा और व्यक्ति के पास पैसा टिकने की थोड़ी समस्याएँ रहेंगी, ठीक है। और अंगूठे पर भी आपको बहुत सारी आड़ी रेखाएं नज़र आ रही हैं, ऐसी कुछ आड़ी रेखाएं नज़र आ रही हैं। जब अंगूठे पर भी ये ऐसा कुछ नज़र आए तो वाकई हम ये कह सकते हैं कि इनकी नेचर, इनके एग्रेशन, ये कार्य की वजह से थोड़ा सा रिलेशन खराब, जो ख़राब होने के चक्कर पड़ सकता है, रिलेशन में कड़वाहट आने के चक्कर पड़ सकता है। और
साथ में जब भी आप कुछ बोला करें तो बहुत सोच समझ के आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप बोल जाते हैं कि जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचती है। तो ये चीज़ें नज़र आपकी फिंगर्स में आ रही हैं। चलिए पर्वतों की स्थिति को देख लें। पहले आप पर्वत की स्थिति को देखेंगे तो यह है, ये ठीक है कि पर्वत जो हैं इनको स्पेस अच्छी मिल रही है, सभी पर्वत को स्पेस अच्छी मिल रही है, तो किस्मत रहेगी साथ में, ऐसा नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर गुरु पर्वत को देखें, आप गुरु पर्वत की स्थिति को देखें तो गुरु पर्वत पर आपको आड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं, खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं। तो आड़ी रेखाएं हैं तो मतलब स्पिरिचुअल नेचर है, काफ़ी ज़्यादा दयालु नेचर है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर है, भगवान को मानने वाले व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ऐसे जाते के बाद नॉलेज काफ़ी रहती है, देखोगे यहाँ पर बहुत सी लाइनें आपको ऐसी क्रिएट होती हुई नज़र आएंगी, बहुत सारी आड़ी लाइनें हैं, देखिए ऐसी कुछ लाइनें आपको क्रिएट होती हुई नज़र आएंगी, और आपको ऐसी लाइनें भी नज़र आएंगी, मतलब कि एक स्क्वायर का निशान भी कहीं कहीं बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी काफ़ी अच्छी है, और कुछ लाइनें आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि मस्तिष्क रेखा से, माइंड लाइन से या फिर कैरियर लाइन से यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी जब लाइनें होती हैं, जब गुरु पर्वत पर पहुँचती हैं तो व्यक्ति जीवन भर तरक्की करता है, ठीक है, तरक्की में कोई कमी नहीं होगी, जीवन भर तरक्की करेगा, तो ये शुभता नज़र आ रही है। शनि जो है थोड़े सूर्य की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे। पहले तो आप देखेंगे भाग्य रेखा जो है, भाग्य रेखा कहीं और ढंग से यहाँ पर पहुँच रही है। पहले भाग्य रेखा आप देखें ध्यान से, यहाँ पर बहुत सी आपको रेखाएँ नज़र आएंगी और काफ़ी ज़्यादा भाग्य रेखाएँ पर बनती हुई ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनती नज़र आएगी। स्पेस इसको अच्छी मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट सूर्य की तरफ हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर आपको यहाँ पर, अगर शनि प्रकृति का मिड कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पर मिड है, लेकिन यहाँ पर आपको हल्के से आपको शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे, तो बताता है कि व्यक्ति के अंदर वैराग्य तो आ गए कन्फर्म है, लेकिन व्यक्ति कह सकते हैं कि डिसीजन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज रह सकता है अपने, मतलब हमेशा जब क्या होता है कि जब फिंगर जो है आपकी सूर्य की तरफ जाती है या फिर आपका पर्वत सूर्य की तरफ जाता है, तो व्यक्ति के अंदर कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट होता है, या फिर वो अपने कैरियर को लेकर हो या फिर अपनी शादी को लेकर हो, अपने प्रोफेशन को लेकर हो, सभी के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और काफ़ी ये थोड़ा नेगेटिव वे में जाता है। लेकिन इसके ऊपर भाग्य रेखाएं पहुंच रही हैं, भाग्य रेखाएं पहुंच रही हैं तो किस्मत का साथ मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है, किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि रेगुलर मिलने वाला है, क्योंकि क्या हो रहा है कि भाग्य रेखा पहुंची है, यहाँ से टूटी है, एक और भाग्य रेखा बन रही है, कुछ छोटी छोटी भाग्य रेखाएं पर बनती हैं। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का लक कभी साथ देगा, कभी नहीं देगा, कभी देगा कभी नहीं देगा, मतलब एक्चुअल में रेगुलर चीज़ें इनकम नहीं आएगी, जो रेगुलर चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, लेकिन भाग्य साथ जरूर देगा। यहाँ पर कुछ पैतृक संपत्ति के मुझे निशान नज़र आए जो आपको अचानक धन लाभ दे सकते हैं। जब पैतृक संपत्ति के निशान होते हैं हाथ में, यहाँ पर शनि पर्वत पर किनारे में, तो व्यक्ति को अपने भाई दादा परदादा या जो भी मतलब आपके जो पुराने रिलेशन हैं उनसे पैसे या फिर कह सकते हैं कि घर ज़मीन जायदाद मिलने के चांस रहते हैं, नहीं फिर अचानक धन लाभ होने के चांस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए गर्ल ऑफ बिजनेस भी बनता हुआ नज़र आएगा आपको। यहाँ पर जब गर्ल ऑफ बिजनेस बनता है तो व्यक्ति काफ़ी सीरियस नेचर का हो जाता है, व्यक्ति को अकेलापन ज़्यादा पसंद होता है, नहीं तो कह सकते हैं कि बचपन में काफ़ी ज़्यादा तकलीफें ऐसे व्यक्ति ने देखी होती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें देखी होती हैं और तकलीफ़ें का जो असर है वो अभी तक भी रहता है, ठीक है, उनके माता पिता ने इन्होंने जो है बचपन में काफ़ी तकलीफ़ें देखी होती, जिसके हाथ में गर्ल ऑफ बिजनेस बनता है, ठीक है। तो गर्ल ऑफ बिजनेस मूड भी स्विंग करवाता है, व्यक्ति कभी आपको बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएंगे, कभी बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आएंगे, मतलब अंदर से मूड स्विंग करता रहता है इनका, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है, ठीक है। सूर्य पर्वत की स्थिति को देखें तो सूर्य पर्वत ठीक है, सूर्य पर्वत पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन सूर्य पर्वत पर ये नेगेटिविटी आ रही है कि जो सूर्य रेखाएं बन रही हैं वो आधी अधूरी बन रही हैं, टूट टूट के चल रही हैं, और कुछ सूर्य रेखाएं हैं जो मंगल क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। जब ऐसी रेखाएं आपको दिखें कि कुछ सूर्य रेखाएं जो हैं मंगल क्षेत्र बनने का प्रयास कर रही हैं, मंगल क्षेत्र की तरफ जाने का प्रयास कर रही हैं, तो व्यक्ति के अगर व्यक्ति तरक्की करेगा तो उसके कर्म ही उसको करवाएंगे, मतलब अगर वो अच्छे कर्म करेंगे तभी तरक्की पा पाएंगे। अगर किसी का बुरा आप चाह रहे हैं तो आपके साथ दुगना बुरा हो सकता है, क्योंकि आपकी जो सूर्य रेखा है वो दूसरों का भला करके ही आपको फ़ायदा दे सकती है, ठीक है। अगर आप दूसरों का भला करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और कामों में एक स्पष्टता ले आते हैं कि ईमानदारी यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है जब ये ऐसी सूर्य रेखाएं बनती हैं, ठीक है। थोड़ा सा दबाव है सूर्य रेखा पर, लेकिन सूर्य रेखा लंबी है तो 32 और 33 के बाद बहुत असर आपको इसका दिखेगा, इसके जो फ़ायदे हैं आपको दिखने चालू होंगे, मान सम्मान में बढ़ोतरी और बाकी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। बुध पर्वत की बात करें, बुध पर्वत पर आपको कोई
हम कह सकते हैं कोई आपको आड़ी रेखा नज़र नहीं आ रही, नहीं तो खड़ी रेखा नज़र नहीं आ रही, तो इनकम के सोर्सेज जो है लिमिटेड रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं कि बहुत ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस में आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि शुक्र पर्वत काफ़ी आइडियल है इनके, शुक्र पर्वत पर आपको बहुत सी खड़ी रेखाएँ दिखेंगी, तो ऐसे लोग इनके साथ जुड़ने वाले हैं जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी इनको करेंगे, ठीक है। और एक लग्जरियस लाइफ, एक कह सकते हैं लग्जरी लाइफ रहेगी, जो जितनी भौतिक सुविधाएं हैं, जो भी ऐशो आराम वाली सुविधाएं हैं, वो व्यक्ति को मिलके रहेंगी, ये कन्फर्म है, ठीक है, ये कन्फर्म है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या चीज़ें इनके साथ हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत पर बहुत सी आपको आड़ी लाइंस नज़र आएंगी। जब आड़ी लाइंस होती हैं तो व्यक्ति को ट्रैवलिंग करवाती हैं, या फिर फॉरेन से जुड़ी हो ट्रैवलिंग हो, या फिर आपको कह सकते हैं कि दूर ट्रैवलिंग करनी पड़े, तो मतलब ट्रैवलिंग आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं, एक आधी लाइन नहीं है, यहाँ पर नीचे भी आपको लाइनें दिखेंगी, तो ट्रैवलिंग और फॉरेन ट्रैवलिंग इनके जीवन में रहेगा, ये तय है। अगर बात करें इनके जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा में क्या हो रहा है, देखिए पहले तो आप देखिए जीवन रेखा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। जीवन रेखा में आप देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से बहुत दोहरी दो जीवन रेखा आपको दिखेगी, पहले कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नज़र आ रही है। ये कंडीशन जो है आपको 42-45 के बाद सुधरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, और कुछ ऐसी जीवन रेखा चलती हुई ना, जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति का हेल्थ सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई चोट, कोई ना कोई इशू जो है होते ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर तरक्की की रेखाएं भी अच्छी हैं, देखिए पहले यहाँ पर एक तरक्की की रेखा नज़र आ रही है, और ये नज़र आ रही है कम से कम मान करेगी 32 से लेकर 35 के बीच में, 32 से लेकर 34 के बीच में, ठीक है। एक और तरक्की की रेखा आपको नज़र आएगी यहाँ पर, बहुत बड़ी तरक्की, ये काफ़ी ही इनके जीवन का एक चेंजिंग मोमेंट होगा, और ये अब आसपास बन रही है, कम से कम 40 और 42 की एज में बन रही है, तो इस एज में बहुत जो है अवसर आपको बड़े मिलने वाले हैं। और यहीं से भाग्य रेखा शुरू हुई है, तो भाग्य रेखा भी इनके जीवन रेखा शुरू है, जो भी कार्य करेंगे अपनी मेहनत की वजह से करेंगे, ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, अपने आप ही करेंगे, ठीक है, सब कुछ डिपेंड अपने आप पे इनका होगा। तो ये इनके जो है पीरियड अच्छे रहेंगे, एक इनका 32वां साल बहुत अच्छा रहेगा 32 से 35 के बीच में, और इसका 42 से 44 के बीच में बहुत अच्छा समय जो है, बहुत अच्छा तरक्की वाला योग है। लेकिन हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती रहे, ऐसे निशान जो है आपके लाइंस पे हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग की रेखाएँ आपको नज़र आएंगी यहाँ पर, देखिए ट्रैवलिंग की रेखाएँ यहाँ पर ऐसी कुछ बनती हुई नज़र आ रही हैं। अगर बात करें इनके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा मैंने बता दिया, भाग्य रेखा एक तो यहाँ पर ऐसी चल रही है आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर एक भाग्य रेखा जुड़ती हुई आपको ऐसी कुछ नज़र आ रही है, एक मनी ट्रायंगल का निर्माण तो बन रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मनी ट्रायंगल नहीं है। मैंने कहा था ना कि पैसा खूब आएगा, लेकिन पैसे का यूसेज जो है अच्छी तरह नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। और पैसा जो है यहाँ पर देखिए, एक केतु क्षेत्र पर, राहु और केतु क्षेत्र पर एक फिश की आकृति आपको बनती हुई ऐसी कुछ नज़र आ रही है, ऐसी कुछ आकृति आपको बनती नज़र आ रही है, यहाँ पर एक स्क्वायर का निशान बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स होंगे आपको, घर रिलेटेड बेनिफिट्स होंगे, और अचानक से धन लाभ होने के चांस हैं। जब आपको देखिए राहु और केतु क्षेत्र पर ऐसे कुछ निशान आपको बनते हुए नज़र आएँ, और हर के हाथ में नहीं बनता है, ये राहु और केतु क्षेत्र पर निशान काफ़ी अशुभ हैं, और आने वाले टाइम में पैसे के बेनिफिशियल काफ़ी होते हैं, पैसे जो अचानक से धन आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शनि पर्वत वैसे निशान आपके मौजूद हैं, ठीक है। और भाग्य रेखा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है, भाग्य रेखा टूट टूट के चल रही है, भाग्य रेखा किस्मत का साथ जो है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है, हर टाइम कुछ ना कुछ होता रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है, चीज़ें अचानक से बिगड़ेंगी बनेंगी, बिगड़ेंगी बनेंगी, मतलब कोई प्रॉपर वे में नहीं चलने वाली चीज़ें। अगर देखिए यहाँ पर देखिए कि मस्सी माइंड लाइन भी डिस्टर्ब है, देखिए आपको यहाँ पर नज़र आएगा इनकी जो, अगर मस्सी रेखा देखें, मस्सी रेखा ये चली इनकी यहाँ से टूटी है, और ये पीरियड बन रहा है अभी का, मतलब 30 से 35 के बीच का पीरियड बन रहा है, 28 से 32 का पीरियड बन रहा है। इस एज में मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहने वाली है, बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जब देखिए मस्सी रेखा टूटती है और टूट कर आगे बढ़े, तो व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी चीज़ का डर हमेशा लगा रहता है, मतलब वो छोटी से छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है व्यक्ति, ठीक है, छोटी से छोटी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा, छोटी छोटी बात को बहुत दिल से अच्छा जल्दी लगा लेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अचानक से छोटी सी बात को सोच कर टेंशन में आ जाता है, तो ये थोड़ा सा गलत है, मतलब एंजाइटी, जो एंजाइटी की दिक्कत है इस व्यक्ति में देखी गई है,
ठीक है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, यह समस्या 35 तक आएगी ही आएगी, उसके बाद माइंड लाइन आपकी अच्छी है, ठीक है। और हृदय रेखा आपको सीमेन लाइन की स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी, जब आपको ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखे, देखिए आपको पहले तो पेट से रिगार्डिंग दिक्कतें होंगी होंगी, ठीक है, पेट से रिगार्डिंग जो होती है, जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं उसके रिगार्डिंग होती है, और आपको पीठ दर्द भी अचानक से उभर सकता है, कोई ऐसी चोट वगैरह अगर आपको बचपन में लगी है किसी बॉडी में, तो आपको दोबारा से उभरती हुई नज़र आएगी, ऐसी समस्या नज़र आएंगी। और ये सीमे लाइन की स्ट्रक्चर बन रही है, सीमे लाइन की स्ट्रक्चर वहाँ बनती है जहाँ पर व्यक्ति का मूड स्विंग होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे जातक जो होते हैं दिल के काफ़ी ज़्यादा सच्चे होते हैं, जिससे भी वो रिश्ता जोड़ेंगे वो काफ़ी ही अच्छे रिश्ते होंगे, लेकिन ऐसे जातक को धोखा बहुत आसानी से मिल जाता है, ये आप याद रखिए, ऐसे जातक को धोखा अपनों से ही मिलने के चांस रहते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा केयर रहना पड़ेगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा अपने रिश्तों को चुनने में, दोस्त बनाने में, सभी चीज़ें चुनने में आपको ये केयर रखना पड़ेगा। और जहाँ पर सीमे लाइन की स्ट्रक्चर होती है, व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, अकल्ट साइंस की तरफ जाए तो उसमें काफ़ी अच्छा कर पाएगा, उसमें काफ़ी अच्छा कर पाने के योग बनते हैं अगर ऐसे निशान आपको मौजूद होते हैं, ठीक है। थोड़ा बातूनी होता है व्यक्ति, ये माना कि बातूनी होगा व्यक्ति, लेकिन उसकी लोग उसकी बात की वैल्यू थोड़ी कम करते हैं, आप मान लीजिए कि आप किसी के आगे बोल रहे हैं तो उसकी बात की थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस लाइन्स का बनने का मतलब यही है कि व्यक्ति का जो व्यक्ति को आने वाले टाइम में काफ़ी अकेलापन महसूस होगा, और ऐसे जातक को थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए और लोगों से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए, कभी अकेला नहीं रहना चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, ठीक है, जल्दी आँख बंद के आपको विश्वास नहीं करना है। तो ओवरऑल हमने देखा, अगर 30 के बाद का पीरियड इनका लाइफ का देखें तो अच्छा है, 32वां साल, 42वां साल काफ़ी अच्छा है, उसी के बीच में चीज़ें बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, ऐसा नहीं कि बहुत सेटिस्फेक्शन कैरियर रहने वाला है, ठीक है, धीरे धीरे अच्छी चीज़ें भी आएंगी, बुरी चीज़ें भी आएंगी, लेकिन हेल्थ रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी एज में आपको हेल्थ रिगार्डिंग बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी उभरना, कोई बड़ा रोग हो जाना, ऐसी की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है, इसको आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।